आज के इस वीडियो में हम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो वैकेंसी आने वाला है 2023 में, उसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। जैसे कि इसका वैकेंसी कितना आने वाला है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस और कट ऑफ क्या होने वाला है, इन सब के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि व्हाट इज आरपीएफ कांस्टेबल, यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल क्या होता है, हम कहाँ पर उनको देखते हैं जो रेलवे में जब यात्रा करते हैं तब। तो जब भी हम यात्रा करते हैं रेलवे में, तो हम देखते हैं कि कांस्टेबल घूमते रहते हैं रेलवे के अंदर भी और स्टेशन के नीचे भी रहते हैं, जो ड्रेस में रहते हैं और उनके पास कोई वेपन तो नहीं होता है या फिर हो भी सकता है। तो वो लोग बेसिकली काम क्या करते हैं कि जो रेलवे में सामान होता है, यात्रियों का सामान होता है, उन सबको हिफाजत करते हैं ताकि चोरी ना हो और कोई भी लूटपाट ट्रेन में ना हो, इन सबको वो लोग देखते हैं। और इसके कुछ मेन पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्स। इसका एग्ज़ाम का लेवल होता है नेशनल लेवल पे ये एग्ज़ाम होता है, जो साल में एक बार होता है। और एप्लीकेशन का फीस हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होता है। और एप्लीकेशन फीस नॉर्मली 500 रुपीज़ लिया जाता है और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन आपको 90 मिनट्स का दिया जाता है। और आगे हम देखेंगे कि लैंग्वेज आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी, तमिल, उर्दू, कोंकणी, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, असामीस, मणिपुरी, बंगाली, इनमें से आपको कोई भी भाषा आता है, कोई भी लैंग्वेज आता है, तो आप उनसे एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको देना पड़ेगा, तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम जानेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी होगा 2023 में जो आने वाला है नोटिफिकेशन उसमें। तो सबसे पहला चीज़ कि आपको इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है, और इसमें एज लिमिट आपको 18 से 25 के बीच में रखा गया है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका 10th पास होना ज़रूरी है। आरपीएफ कांस्टेबल एप्लीकेशन 2023 का अभी वैकेंसी नहीं आया है या फिर नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है, इसलिए हम अभी आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जब नोटिफिकेशन आ जाएगा और एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा तब हम इसी चैनल पे आपको उसका पूरा डिटेल में वीडियो बना के देंगे। इसलिए तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आरपीएफ में अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स का आपको 10th पास का मार्कशीट होना ज़रूरी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास होना ज़रूरी है, आपका सिग्नेचर का कॉपी होना ज़रूरी है आपके पास, सिग्नेचर का कॉपी जो आप सिग्नेचर करेंगे वाइट पेपर पे और उसी को स्कैन करके डालेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना ज़रूरी है अगर आप ओबीसी या फिर एसटीएससी से अप्लाई करना चाहते हैं तो, और नहीं रहेगा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आपके पास होना ज़रूरी है, जो आप बाद में भी दे सकते हैं जब आपका जॉब हो जाए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी आप दे सकते हैं। रिक्वायर्ड और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड भी आपके पास होना ज़रूरी है। और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम का फीस क्या होने वाला है इसको भी हम देख लेते हैं। तो मेल के लिए यहाँ पर जनरल और अनरिजर्व के लिए 500 रुपीज़ रखा गया है, वहीं एसटी एससी और ओबीसी के लिए 250 रुपीज़ रखा गया है। वहीं फीमेल कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं तो उनको अनरिजर्व, एसटी एससी, ओबीसी इनमें से कोई भी हो उनको 250 का पेमेंट करना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर में आप कोई भी अपना प्रेफरेंस डाल सकते हैं, जिसे आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर बहुत सारा लिस्ट दिया गया है, इसमें लगभग सारा का लिस्ट दिया हुआ है, जितना भी मेन आते हैं एग्जाम देने लायक शहर उन सबका दिया गया है। तो आपके सुविधा के अनुसार आप इसमें से प्रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे, आपका प्रेफरेंस जो पहले रहेगा उसी के आधार पर आपको एग्जाम का सेंटर दिया जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है इसको भी अभी हम जानेंगे। तो ये 3 फेज में आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, जैसे कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा पहला, दूसरा पीईटी होगा और पीएमटी, तीनों होगा। तो आरपीएफ का पैटर्न 1 कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसका हम देखेंगे। तो सेक्शन वाइज इधर दिया गया है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक से आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वहीं पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120 क्वेश्चन, जो 120 नंबर्स का होगा।
जिसमें से आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, जो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग में कटेगा पर इनकरेक्ट आंसर। अब हम सिलेबस को देखेंगे, क्योंकि सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस टॉपिक देख लेते हैं और सेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद सिलेबस पता नहीं रहेगा तो हम पढ़ाई किस तरह से करेंगे, क्योंकि हर चीज़ तो इसमें पूछता नहीं है, जो सिलेबस में है वही चीज़ आपको पूछा जाएगा। सेक्शन 1 का हम लोग जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस है, उसमें सबसे पहला चीज़ आपको करंट अफेयर्स का तैयारी करना पड़ेगा। अवेयरनेस ऑफ इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इन सोसाइटी का भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन रहेगा उसमें, कॉमन एब्रिविएशन से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें, ज्योग्राफी भी आपको 10th लेवल तक का दिया जाएगा उससे भी क्वेश्चन रहेगा, और जनरल पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन रहेगा, और स्पोर्ट्स से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनवायरनमेंट इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, इससे भी आपको क्वेश्चन रहेगा, और कॉमन एब्रिविएशन से भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा उसमें। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम जो इंडिया में होते रहता है या फिर वर्ल्ड में होते रहता है, उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इन सब के बारे में भी तैयारी करके रहिएगा। और वहीं पर हम सेक्शन 2 में अर्थमेटिक सिलेबस को देखें, तो इसमें से एवरेजेस आपको पढ़ना पड़ेगा, इंटरेस्ट पढ़ना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ना पड़ेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, परसेंटेज, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन भी देखना पड़ेगा, नंबर सिस्टम से भी आपको क्वेश्चन रहेंगे कुछ, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप इस सबको टॉपिक वाइज पढ़ते चलिएगा तो आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स से भी क्वेश्चन मिलेगा, मेंसुरेशन, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ, इन सबको भी आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका तैयारी अच्छा हो जाए और कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। सेक्शन 3 में हम देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस, तो इसमें एनालॉजीज से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पाइटल विजुअलाइजेशन, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्पाइटल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक न्यूक्लियर सीरीज, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, साइलोजिस्टिक रीजनिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से भी आपको क्वेश्चन रहेगा, इसलिए इन सब को टॉपिक वाइज आप स्टडी करेंगे। अब हम बात करेंगे इसका कट ऑफ क्या जाने वाला है 2023 में। कट ऑफ सबसे मेन चीज होता है, क्योंकि आप कितनों भी नंबर लाइए या फिर कितनों कम भी लाइए, आपका कट ऑफ मार्क्स आपका आ गया तो आपका जॉब हो जाएगा, इसलिए कट ऑफ मार्क इसमें सेक्शन वाइज दिया गया है। जैसे जनरल अवेयरनेस में अलग से कट ऑफ दिया गया है, अगर इसमें आप 20 नंबर्स भी लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे, और अर्थमेटिक में आप 23 नंबर भी लाते हैं तो इसमें भी आप पास हो जाएंगे, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से आपको 25 में पास किया जाएगा। और टोटल कट ऑफ आप देखेंगे तो 68 मार्क्स का है, 68 मार्क्स आपका आता है तो आप क्लियर हो जाएगा। फेज 1 क्लियर होने के बाद आपको फेज 2 का एग्जाम देना पड़ेगा, तो फेज 2 में वैसे कोई एग्जाम नहीं होता है, इसमें आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का सामना करना पड़ता है। अब इसको पार कर जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 1600 मीटर का आपको रनिंग दिया जाएगा, जिसमें मेल को 5 मिनट और 45 सेकंड्स में कंप्लीट करना होगा, और 800 मीटर रनिंग करना पड़ेगा जिसमें मेल को 3 मिनट और 40 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें फीमेल का कुछ दिया हुआ नहीं है, शायद ये दोनों का सेम टाइमिंग रहेगा। और इसमें हाई जंप में आपको 4 फीट मेल को करना पड़ेगा और वहीं फीमेल को 3 फीट जंप करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप में मेल के लिए 14 फीट रखा गया है और फीमेल के लिए 9 फीट रखा गया है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आता है, जिसमें कैटेगरी वाइज आप देखेंगे अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है, और एसटी एससी के लिए आपको 160 सेंटीमीटर है और वहीं फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। और एक कैटेगरी होता है गढ़वाली, गोरखा, मराठा, इन सब के लिए 163 सेंटीमीटर रखा गया है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आप देखेंगे यहाँ पर अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए 80 सेंटीमीटर चेस्ट भी रखा गया है। 80 सेंटीमीटर चेस्ट अनएक्सपेंडेड में होना चाहिए, और एक्सपेंडेड में आपको 85 सेंटीमीटर का होना जरूरी है। और एसटी एससी के लिए यहाँ पर 76.2 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड में होना जरूरी
जरूरी है और एक्सपेंडेड में 81.2 सेंटीमीटर चाहिए। गढ़वाली गोरखा मराठास के लिए 80 सेंटीमीटर रखा गया है और एक्सपेंडेड में 85, उनका भी होना जरूरी है। कैंडिडेट ये दोनों फेज को कंप्लीट कर जाते हैं, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो ये दोनों फेज में कंप्लीट है पूरी तरह से, उनको बुलाया जाएगा, जिसमें उनका बेसिकली चेक किया जाएगा 10th का मार्कशीट ओरिजिनल यहाँ पर देखा जाएगा, प्रूफ ऑफ एज में देखा जाएगा, कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड और स्कूल का सर्टिफिकेट भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड आपके लिए मैंडेटरी रहेगा वहाँ। और कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है, क्यों, अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। ट्रांसफर सर्टिफिकेट अभी आपका होना जरूरी है, वो भी ओरिजिनल, फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल लेना पड़ेगा। अब जो भी क्लास में भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, वहाँ से आपको निकाल के लाना पड़ेगा। और आपका रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी होना जरूरी है, जो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अब तो आपका जॉब हो चुका है अभी तक, तो इसके बाद हमको जानना जरूरी हो जाता है कि आपका सैलरी क्या होने वाला है। तो इसमें बेसिकली स्टार्टिंग सैलरी 22,000 पर मंथ से शुरू होता है और 35,000 पर मंथ तक रहता है। तो इसमें से सैलरी के अलावा बहुत सारे जैसे पीएफ का भी आपको बेनिफिट मिलता है, स्टाफ रहने के लिए आपको क्वार्टर भी दिया जाएगा और भी बहुत सारा एक्सपेंसेस आपको दिया जाएगा और आपके फैमिली को भी बेनिफिट दिया जाएगा। फैमिली जहां चाहे वहां ट्रेवल कर सकती है, ट्रेन से उनको टिकट नहीं लेना पड़ेगा। और जॉब आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको पेंशन भी दिया जाएगा और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आपको समय के आधार पर मिलते रहेंगे। वी होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।